रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। दोस्तों, चारों ओर ये घना जंगल, चारों ओर ये नीला नीला जंगल, और बीच में से गुजरता हुआ ये रास्ता जो कि बढ़ रहा है हमारी डेस्टिनेशन की ओर। और दोस्तों, आज का हमारा डेस्टिनेशन है पदम डुंगरी। दोस्तों, सूरत से हम निकले थे सुबह 8 बजे और अभी बजने वाले हैं 9:30, और करीब करीब 80 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम पदम डुंगरी इको टूरिज़्म। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा इको टूरिज़्म के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा इको टूरिज़्म है जो कि व्यारा शहर से यानी व्यारा सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप उनाई से आ रहे हैं तो उनाई गांव से उसकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। और ये जो पदम डुंगरी है वो सह्याद्री पर्वतमाला जो है उसके बीच में से अंबिका नदी बहती है, उसके किनारे पर ये पदम डुंगरी का इको टूरिज़्म बनाया गया है। जब आप पदम डुंगरी की और यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ और बीच में कुछ अच्छे से नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पदम डुंगरी। ये है पदम डुंगरी का पार्किंग एरिया, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका गेट, और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ अभी जमा है और काफ़ी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पदम डुंगरी और ये है उसका गेट। यहां से लेंगे हम एंट्री, और दोस्तों यहां पर जो टिकट का रेट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन। गाइस, आज हम आए हैं पदम डुंगरी। पदम डुंगरी एक गुजरात का इतना अच्छा इको टूरिज़्म है कि यहां पर बहुत सारी पब्लिक आती है। यहां पर ऐसा कुदरती सौंदर्य है कि यहां पर देखने की मज़ा ही कुछ और है, और यहां का ये पूरा जो नज़ारा है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी अगर यहां पर विज़िट करते हो तो बहुत ही बेहतरीन ये प्लेस है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आने के लिए सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के चार्जेस क्या है, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं है, वो सब मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही हो ना? यहाँ पर हम आए करम डुंगरी और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, तुम भी आना। दोस्तों, संडे को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, और जैसे कि मैंने टिकट रेट बताया, यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो और इसी गेट से यहाँ से एंट्री होती है। दोस्तों, अंदर की ओर एंट्री लेते ही यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रास्ते और उसके साइड पर बहुत ही अच्छी सी हरियाली आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, और बारिश होने की वजह से यहाँ पर आसपास का जो विस्तार है यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरीज हो गई है। दोस्तों, ठंडा ठंडा पवन यहाँ पर आ रहा है जो कि हमें बहुत ही अच्छी सी फीलिंग दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखने से ऐसा लगता है मानो प्रकृति का पूरा रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी अवेलेबल है जो कि एडवेंचर एक्टिविटी है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, एटीवी राइड जैसी तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, लेकिन हालांकि अभी ये बंद है। दोस्तों, यहाँ पर रहने की सुविधा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एसी रूम जो है वो 1500 रुपये में आपको यहाँ पर एसी रूम पर कपल मिल जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट हो तो सिर्फ 300 रुपीज़ में एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पर मिल जाता है। नॉन एसी रूम की अगर मैं बात करूँ तो
₹800 में, यानी कि 800 रुपीज़ में पर कपल यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगी, और 250 रुपीज़ में एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो बड़े रूम है जहाँ पर 10 पर्सन मैक्सिमम रह सकते हैं, उसके यहाँ पर चार्जेस है पर पर्सन 250 रुपीज़। और दोस्तों यहाँ पर टेंट की सुविधा भी है, अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो पर पर्सन 100 रुपीज़ यहाँ पर टेंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रहने की बहुत ही अच्छी सुविधा है। दोस्तों बुकिंग आप अगर करवाना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप बुकिंग भी करवा सकते हो। दोस्तों फूड की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कैंप साइट जो, इसके अंदर ही अगर आप फूड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको लंच और डिनर मिल जाएंगे, साथ साथ टी और कॉफ़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर हम अगर नियर बाय अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप विज़िट करने के लिए पास में ही जानकी वन, 8 किलोमीटर की दूरी पर उनाई टेंपल, वासदा नेशनल पार्क, अजमलगढ़ और गीरा वाटरफॉल और वगई बॉटनिकल गार्डन भी यहाँ से जा सकते हैं, जो कि यहाँ से पास में ही आया हुआ है। दोस्तों नियर बाय दूसरे कैंप साइट की अगर बात करूँ, दूसरे इको टूरिज़म की बात करूँ, तो यहाँ से कुछ ही दूरी में यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी में किलाड़ नेचर एजुकेशन सेंटर, वासदा महाल इको कैंपस डांग, केवड़ी इको टूरिज्म कैंपस मांडवी जो कि थोड़ी सी दूरी पर है, और देवीमल कैंपस यहां पर आहवा में आया हुआ है। दोस्तों आप यहां से उसी सभी डेस्टिनेशन पर भी आप विजिट कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेसेस यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। यहाँ से अगर सूरत से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग यहाँ की विज़िट करते हैं जो सापुतारा के लिए जाते हैं, और सापुतारा विज़िट करके रास्ते में ही ये पदम डुंगरी आपको पड़ता है जो कि वासदा में आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आते ही हमें कुछ फॉरेस्ट नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि फोटोग्राफी के दौरान या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ के जो पौधे हैं इसको किसी भी तरह के हानि नहीं पहुँचा सकते, और कहीं भी आप कचरा नहीं डाल सकते, प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि इस प्रकृति की जतन करना हमारी जिम्मेदारी है।
दोस्तों, इस पूरे इको टूरिज़्म की विज़िट करने के बाद और यहाँ के प्रकृति का अनुभव करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सूरत की ओर। दोस्तों, हमारा और एक ऐसा वीडियो है जो कि सूरत का एकमात्र वाटरफॉल जिसका नाम है देवघाट, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और उसकी पूरी डिटेल्स और जानकारी मैंने दी है इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। दोस्तों, आप भी इस पदम डुंगरी इको टूरिज्म का विजिट कर सकते हो। अगर आप पूरे फैमिली के साथ यहां पर आओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, यहां पर प्री वेडिंग शूटिंग भी होता है। अगर आप कहीं भी प्री वेडिंग का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा। दोस्तों, लास्ट में बाहर का कुछ ये नज़ारा कुछ सिनारियों में आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं सूरत की ओर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, उसी के साथ मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।